हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब सा और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप पहली बार भी कुकिंग कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसे यूँ चुटके में बना सकते हैं। तो बस मुझे फॉलो करें और सिर्फ दो स्टेप में मज़ेदार सा चिकन का सालन तैयार करें। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 tablespoon जिंजर और 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट लिया है, वो मैं कर रही हूँ ऐड। और चिकन में ना ये जिंजर बहुत ही अच्छा काम करता है, जो चिकन की जो स्मेल होती है उसे ये रिमूव कर देता है। तो आप जिंजर ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ मैंने 2 tablespoon सॉल्ट लिया है, 1 tablespoon टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon भर के रेड चिली फ्लेक्स, 1 tablespoon कोरिएंडर जिसे मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था, क्यूमिन पाउडर 1.5 tablespoon एंड 1.5 tablespoon गरम मसाला पाउडर, साथ ही 2 large टोमेटो को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो मैं कर रही हूँ ऐड। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम्स योगर्ट। आपने योगर्ट के हिसाब से लें, अगर खट्टा ज़्यादा है तो आप कम इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने 2 large साइज़ के अनियन को फ्राई कर लिया था, उसे मैं अपने हाथों से क्रश कर लिया, वो कर रही हूँ ऐड। और अब मैं इसमें 5 green chilies ऐड कर रही हूँ, इसे मैंने 20 से स्लिट कर लिया है, और 1 मुट्ठी भर के कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ के लेमन को टुकड़ों में काट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। बिल्कुल ही छोटा सा टुकड़ा ले लें, ज़्यादा बड़े साइज़ का लेमन है तो आप हाफ ले लें। और साथ ही जो मैंने अनियन फ्राई किया था मस्टर्ड ऑयल में, वो ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ, जो तकरीबन 5 से 6 tablespoon है। और बस अब इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसे ढककर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी मैरिनेशन इसकी हो सके। अगर आप चाहते हैं तो बस इंस्टेंट बना भी सकते हैं, मैरिनेट करके आप कुक कर लें। और यहाँ 2 घंटा हो चुका है इसे फ्रिज में रखते हुए, तो अब मैंने इसे निकाल लिया और इसे मैं फिर से अच्छे से कर दूँगी मिक्स। तो ये मिक्स हो चुका है, साथ ही मैंने फ्लेम भी ऑन कर लिया है और अब इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करूंगी कुक। तो बस ये देखिए चिकन उबाल आने लग गया है और मैं इसे अब कर रही हूँ कवर। कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक कुक करूंगी जब तक चिकन टेंडर ना हो जाए। तो ये देखिए चिकन को कुक होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुका है। अब मैं लीड हटा रही हूँ और ये चिकन बिल्कुल ही टेंडर हो चुका है। आप अपने फोक की हेल्प से या फिर अपने हाथों की हेल्प से चेक कर लें। और बस अब मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से कर लें फ्राई, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। जो टमाटर, जो हरी मिर्चें हमने डाली हैं वो सब आपस में मिक्स हो जाए, सॉफ्ट होकर टूट जाए सारे मसाले और ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक आप इसे फ्राई कर लें। और आप ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने भुना है और ये बिल्कुल ही अच्छे से भुन चुका है। और ये देखिए कितना टेंडर है चिकन और साथ ही जूसी भी है, बहुत बहुत मज़े की ये बनी है। और अब ये बिल्कुल है तैयार, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। अब बस मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ और ये गर्मा गर्म सालन आप चपाती या पराठा या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।